Hey guys, good morning once again. Welcome back on your YouTube blog trip with Manoj. आज का जो हमारा ट्रिप है वो होने वाला है रामेश्वर का, पिथौरागढ़ में है, घाट से थोड़ा सा आगे। सबसे पहले आप लोगों को हिंदू नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 2 अप्रैल है और पहला नवरात्र भी है, तो नवरात्रि की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो पहले भी मैं लास्ट ईयर रामेश्वर का ब्लॉग बना चुका हूँ, इस बार ज़्यादा डिटेल में ब्लॉग में ही दिखाएंगे। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लास्ट ब्लॉग में नहीं थी, तो इस ब्लॉग में कोशिश करूँगा आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन रामेश्वर के बारे में मैं दे पाऊँ। हमेशा हम लोगों ने सोलो ट्रिप किए हुए हैं, इस बार हम लोग फैमिली के साथ जाने वाले हैं। हम लोग मीन्स परुदा को आप लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा, इस बार उनकी वाइफ भाभी साथ में जा रही है और मेरी वाइफ भी मेरे साथ में जाएंगी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग स्कूटी से जाएंगे और अच्छे से दर्शन करके आएंगे। इस बार हम फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बहुत एंजॉय करेंगे हम लोग इस ट्रिप को। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं, हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं और अभी कपड़े पहन के फिर हमें सीधे जाना है। हम लोगों ने प्लान बनाया कि सुबह 5:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और 1 घंटा हमें यहाँ से वहाँ पहुँचने में लगेगा, 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद हम गंगा स्नान करके वापसी आके और फिर यहाँ के लोकल मंदिरों में अपनी पूजा वगैरह करेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है उसको शुरू करते हैं और मिलते हैं आपको रामेश्वर। रामेश्वर मंदिर सरयू और रामगंगा का संगम स्थल, जहां भगवान राम ने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ली। सरयू और रामगंगा का संगम सोर घाटी और इससे लगे गांव के लिए सदियों से पवित्र रहा है। लोक में मान्यता है कि देवडांगर को शरीर में देवता के अवतरण से पहले सरयू रामगंगा के संगम में एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। इसी संगम पर स्थित है रामेश्वर का मंदिर। रामेश्वर सोर गंगोली और बाराकोट के गांवों का युगों से शमशान, क्रिया स्थल, श्रद्धा स्थल और व्रत बंध स्थल रहा है। इसे यहां हरिद्वार की तरह तीर्थ की मान्यता प्राप्त है। कहते हैं कि रामेश्वर आदिकाल से ही राजाओं के अधीन न रहने वाला क्षेत्र है। स्कंद पुराण में इस बात का जिक्र है कि अयोध्या के राजकुमारों की शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा के लिए ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ का चयन किया गया। वशिष्ठ ने राजकुमारों की शिक्षा के लिए हिमालय की घाटियों का भ्रमण शुरू किया, तब उन्होंने सरयू और रामगंगा के इस संगम पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह देखे। यहीं उन्होंने वशिष्ठाश्रम की स्थापना की। भगवान राम और उनके भाइयों को शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा इसी संगम पर दी गई। वशिष्ठाश्रम का एक जिक्र महाभारत में भी मिलता है। इस कथा के अनुसार जब कन्नौज के राजा विश्वामित्र कैलाश यात्रा पर आए तो उन्हें वशिष्ठाश्रम की नंदिनी गाय पसंद आ गई। उन्होंने वशिष्ठ से गाय ले जाने के लिए अनुरोध किया पर वशिष्ठ न माने। कहते हैं कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के मध्य युद्ध हुआ। इसमें स्थानीय खसों ने वशिष्ठ का साथ दिया और पत्थरों की बरसात कर विश्वामित्र की सेना को भगाया। इस युद्ध में विश्वामित्र जान बचाकर भागे और कोसी नदी के किनारे अपनी बहन सत्यवती के पास शरण ली। 1960 तक रामेश्वर कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस मंदिर में माघ के महीने महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, दिन में एक बार भोजन, 2 बार स्नान और 12 बजे तक कीर्तन का यहां पुराना रिवाज है। माघ पूर्णिमा के दिन बमनियों की यहां पुरानी परंपरा है, इस दिन यहां माघ मेले का आयोजन होता है। मंदिर समिति में 1960 ईस्वी में विशाड़ गाँव के भट्ट ब्राह्मण आचार्य, जीवी गांव के कुमुपति चंद्र कर्मादीश, मिलडुंगरी के जोशी पुजारी तथा जाख चमुंडा के गिरी लोग महंत का कार्य करते थे। तो आइए आज दर्शन करते हैं परम तीर्थ रामेश्वर के।
आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग यहाँ पर रामेश्वर में गंगा स्नान के लिए आ रखे हैं और हमने अभी नहा लिया है। ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम उमया दिव्य सुमंगल विग्रह आलिंगित वामांग विभो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम। हेलो दोस्तों, देखिए आज हम रामेश्वर शिव जी के एक धाम यहाँ पे आए हुए हैं। मनोज जी एंड फैमिली, पीएम एंड फैमिली, और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा माँ गंगा के पावन धाम पे। हाँ, ये है रामगंगा और ये है सरयू नदी, और ये ऊपर है भोले बाबा का धाम। तीन गंगाएं हुई, राम गंगा, सरयू गंगा और गुप्त गंगा हुई ना। तीन गंगाएं हुई, दोनों नदियों के बीच मध्य में हुई वो गुप्त गंगा, और वहाँ पे जो है अभी पैर डाल रहा है पानी, आने पीने के लिए पानी बाहर आता है, और वैसे अंदर अंदर ही हुई गुप्त गंगा हुई।
ये पाताल मनसर महाकाली होती है, रामेश्वर में निकलती है। सुबह इस गंगा स्नान भी हो गया है, अच्छे से दर्शन भी कर लिए, पूजा भी कर लिए, तो अब चलते हैं घर को। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों को दर्शन करोगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर और नवरात्रि की आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ।